तो नमस्कार मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो कहीं इसके आपको माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए एक बढ़िया सा शेडर चाहिए लो एंड डिवाइस के लिए, ताकि आपके अच्छे से FPS भी आएँ और अच्छी ग्राफिक्स भी मिले। तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को क्लिक किया। आज की इस वीडियो में आपको माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए बहुत बढ़िया शेडर देने वाला हूँ, जो कि आपके लो एंड डिवाइस में भी स्मूथली चलेंगे, चाहे आपका 2 GB रैम वाला डिवाइस क्यों ना हो। तो गाइस, इन शेडर्स का नाम है यूज शेडर्स, और ये वाला शेडर स्पेशली लो एंड डिवाइस के लिए डिजाइन है, ताकि आपको इसमें कम लैग हो और अच्छे FPS आए। और गाइस, इन शेडर्स के लुक आप इस वाले गेम प्ले में देख ही सकते हो कि शेडर्स आपको कैसे देखने में मिलते हैं और उसकी ग्राफिक्स कैसी हैं। और गाइस, पिछली वीडियो से इन कमेंट्स को शाउट आउट जाता है, और अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोज मैं रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो गाइस, इस वाले शेडर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहाँ पे आपको एक मीडियाफाई डॉक्यूमेंट का लिंक मिलेगा, उसे ओपन करके इस वाली फाइल को डाउनलोड कर लेना है। और जैसे ही फाइल डाउनलोड हो जाए, उसके बाद आपको इसे ओपन कर लेना है zarchiver से, और इसे ओपन करने के बाद आपको इसे रीनेम करना है, और उसके एंड में गाइस .zip लिखा होगा, आपको .zip कट कर देना है, और आपको .mcpack इसमें लिख देना है, जो कि मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। और उसके बाद गाइस आपको इसको सिंगल क्लिक करके व्यू वाली एरो पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपकी माइनक्राफ्ट ओपन होनी शुरू हो जाएगी। और गाइस, माइनक्राफ्ट ओपन होने के बाद आपका इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो थोड़ी देर में सक्सेसफुल भी हो जाएगा। और गाइस, जैसे ही आपका इंपोर्ट सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद आपको अपनी सेटिंग्स में जाना है, और आपको स्क्रॉल करना है लेफ्ट वाले बार में, और आपको ग्लोबल रिसोर्सेज नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाके गाइस आपको यूज शेडर्स को एक्टिवेट कर देना है। और अगर आपने पुराना कोई शेडर एक्टिवेट किया तो आप उसको डीएक्टिवेट भी कर लेना। और शेडर को एक्टिवेट करने के बाद आपको सिंपली सेटिंग्स में से बैक कर देना है। तो वैसे मेरा शेडर एक्टिवेट हो चुका है, मैं आपको एक छोटा सा वर्ल्ड का गेम प्ले दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि शेडर में कैसी ग्राफिक्स आपको देखने को मिलती हैं। तो गाइज, अब जो आप क्लिप देख रहे हो वो इसी शेडर की क्लिप है, इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये शेडर कैसे है और इसकी ग्राफिक्स आपको कैसे देखने को मिलती हैं। और गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस शेडर में बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा मेरे डिवाइस में, और आपके डिवाइस में भी स्मूथली चलना चाहिए बिना किसी लैग के। तो गाइज, अब आप आराम से इस शेडर की ग्राफिक्स देख सकते हो, और अब मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के आउट्रो में। तो गाइस, अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप आराम से इस शेडर की ग्राफिक्स को एंजॉय कर सकते हो वीडियो के बाद में, और इन छोटी क्लिप्स को देख के आपको आइडिया हो ही गया होगा कि इस शेडर में कैसी आपको ग्राफिक्स देखने को मिलती हैं। तो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग तो लो एंड डिवाइस वाले प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑसम शेडर है, क्योंकि हाई एंड वाले तो आपके नहीं चलने वाले आसानी से। और गाइस, अगर आपके पास 4 GB रैम वाला या फिर उससे अच्छा कोई मिड रेंज वाला डिवाइस है, तो मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करूँगा, ये जो आपको लेफ्ट में वीडियो दिख रही है उसको क्लिक करके वाले शेडर आप अप्लाई कर लेना, क्योंकि मिड रेंज डिवाइस के लिए वाला शेडर वन ऑफ दी बेस्ट है। तो गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।